प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए दंडनका जी। इसका टॉपिक है सबका अंतर्यामी है ये अंग संग जो निरंकार है, कहे हरदेव इसी का दिल में भय रखना हर बार है। तो प्यारी सात संगत जी, परमपिता परमात्मा को कहा जाता है तू पूर्ण परमात्मा तू अंतर्यामी, कि तू पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि इस पूरे में पूरा समाया हुआ है, ये पूरा है, पूरे का किया पूरा होता है, ये सबके दिल की जान रहा है, इससे कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। इंसान अपनी चलाकी चतुराई में सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं, लेकिन ये परमात्मा सब कुछ देख रहा है, हमारे हर गुनाहों में इसकी नजर है, हम क्या गुनाह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अच्छा बुरा काम कर रहे हैं, सब पे इसकी नजर है। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी संपूर्ण हरदेव वाणी सब संख्या 159 में समझा रहे हैं कि अपना अपना अंतर्यामी जग में हर इंसान है, अपनी नेकी और बदी से कौन भला अनजान है, कब औरों को लाभ दिया है कहां किया नुकसान है, अपने भले बुरे कर्मों की सबको ही पहचान है, क्या क्या खुद से हुई है गलती हर बंदा ये जान रहा है, अलग यह बात कि अपनी गलती को ना मान रहा, पहले गलत किया है तो अब सही रास्ता तू अपना, अपनी भूल सुधार ओ बंदे तू जीवन को सफल बना, सबका अंतर्यामी है ये अंग संग जो निरंकार है, कहे हरदेव इसी का दिल में भय रखना हर बार है। कि अगर निरंकार का भय है तो हम सही काम करेंगे, लेकिन अगर निरंकार भूल जाएंगे तो फिर हमसे गलत काम ही होगा, क्योंकि भय के बिना भक्ति होती नहीं है। अगर निरंकार का भय है, निरंकार का डर है, तो हम भक्ति कर पाएंगे, क्योंकि भक्ति होती है भय से। अगर हमारे मन में खौफ है कि खुदा हमें देख रहा है, तो हम सही रास्ते पर चलेंगे, सही काम करेंगे, क्योंकि अपना अपना अंतर्यामी जग में हर इंसान है, हर इंसान अपना अंतर्यामी है, हमसे बेहतर हमको कोई नहीं जानता, जानता है तो केवल परमात्मा। हमारी सोच में क्या है, हमारे विचार में क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, ये हमें पता है। अपनी नेकी और बदी से कौन भला अनजान है, कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि दिन भर में हमने कितना अच्छा काम किया और कितना बुरा काम किया। तो हर इंसान अपना अंतर्यामी अपने बारे में जानता है, और ये परमपिता परमात्मा सबका अंतर्यामी है, ये सबके बारे में जानता है, कब औरों को लाभ दिया कहां किया नुकसान है, हमने कब किसी को लाभ दिया, किसी के फायदे के लिए काम किया, किसी को सुख दिया, किसका भला किया, ये हमें पता है, और हमने कब किसका कितना नुकसान किया ये भी हमें पता है। तो हमने परमात्मा को आधार बना के हर कर्म करना है, और किसी का नुकसान नहीं करना है, सबको लाभ ही पहुंचाना है, सबका भला ही करना है, अपने भले बुरे कर्मों की सबको ही पहचान है, क्या क्या खुद से हुई है गलती हर बंदा ये जान रहा, कि अपने भले बुरे कर्मों के बारे में सब जानते हैं कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, और हमसे क्या गलती हुई है इसके बारे में भी हमें पता है, हम जानते हैं कि हमने क्या गलत किया है। है अलग यह बात कि अपनी गलती को ना मान रहा, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी कह रहे हैं कि हम गलती तो करते हैं लेकिन अपनी गलती को मानते नहीं हैं। तो अगर अपनी गलती को हम स्वीकार करें, अपनी भूल को मान लें, तो फिर आगे से हम गलती करने से बच पाएंगे, पहले गलत किया है तो अब सही रास्ता तू अपना, अपनी भूल सुधार ओ बंदे जीवन को सफल बना। कि अगर पहले गलती हो गई है, गलत किया है,
अब तो सही रास्ते पर चल, अब उस गलती को रिपीट मत कर, अपने आप को सुधार ले और गलतियों से बच। अगर हम अपने आप को सुधार लेंगे, अपनी भूल सुधार ओ बंदे तू जीवन को सफल बना, कि अगर हम अपनी भूल को सुधारना शुरू कर दें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो बाबा जी यही कह रहे हैं कि जो गलती की अब दोबारा मत रिपीट करो, गलतियों को बार बार मत दोहराओ, अपनी भूल को सुधार लो और अपने जीवन को सफल बनाओ। सबका अंतर्यामी है ये, अंग संग जो निरंकार है, कहे हरदेव इसी का दिल में भय रखना हर बार है। कि सबका अंतर्यामी परमात्मा है, अंग संग है, सब कुछ जान रहा है, हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं सब ये जानता है। तो हमने इसके भय में रह के काम करना है। कहे हरदेव इसी का दिल में भय रखना हर बार है, कि इसका भय रखो कि निराकार है, देख रहा है, हम जैसा करेंगे हमें वैसा फल भी भोगना ही पड़ेगा। इसलिए जो भक्त होते हैं परमात्मा को अर्पण करके सारे कर्म करते हैं, उनके मन में समर्पण की भावना होती है कि तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कि तू करने वाला है। और जब हम तू को आधार बनाते हैं तो हम अकर्ता भाव से बच जाते हैं और फिर हमारे मन में एक कर्तापन कभी नहीं आता है। और हम अकर्ता बन के जब काम करते हैं तो प्यारीसा संगत जी फिर हमारा जो जीवन है बहुत सुंदर बन जाता है। तो हमने अहंकार से बचना है, कर्ता भाव से बचना है, कि ये परमात्मा है यही कर रहा है और इस अंतर्यामी है, ये सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है। तो जो भक्त इसके एहसास में जीवन जीते हैं, इसके भय में रहते हैं, तो उनके मन में कभी अभिमान नहीं आता है, कभी कर्ता भाव नहीं आता है। हर पल हर घड़ी उनको एहसास रहता है कि तू करता है जगत का, तू सबका आधार। तो ये बात तब बनेगी जब हम इसके भय में रहेंगे, इस निराकार के एहसास में जीवन को जिएंगे। और जब इसके एहसास में जीवन को जिएंगे तो जीवन बहुत सुंदर होता है, हम भूल करने से बचे रहते हैं, नेकी के रास्ते पर चलते हैं और अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं। प्यारी प्यारी सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।